वही सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा एक बार फिर से सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए नजर आए और इस बार उनका कहना है कि प्रदेश में सड़कों की हालात बेहद खराब है, जिस पर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अगर आप सड़कों की हालत देखें और ग्रामीण सड़कें जो हैं वो टूट जाएं तो समझ भी आता है। नेशनल हाईवेज इतनी हालत ख़राब है कि गाड़ी का पता नहीं लगता है कि सड़क के बीच में चल रही है कि खड्डे में चल रही है कि नाले में चल रही है। इस पे बार बार हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से लोग मिलते रहे हैं। हमने भी बार बार इस मसले को उठाया है कि हिमाचल की प्रदेश की सड़कें जो हैं उनकी हालत जो है बहुत खस्ता हो गई है। आप कम से कम नई सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, आप जो सड़कें बनी हैं उनकी मुरम्मत तो कर दीजिए। अगर मुख्यमंत्री के ये बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों की जो हालत है खराब है, परंतु विपक्ष की हालत उससे भी खराब है, मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री के लेवल पे अगर इस तरह की स्टेटमेंट आए तो मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश के लोग इसको पसंद करें ऐसा मुझे लगता नहीं है, और टोटली एक गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से आया है। विपक्ष जो है, विपक्ष में 21 MLA हैं और विपक्ष की ये भूमिका है, लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को ये जनादेश दिया है कि विपक्ष की भूमिका निभाएं। अगर सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेवारियां हैं तो विपक्ष की भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं कि वो सत्ता पक्ष को जगाते रहें, और कोई अगर गलत निर्णय ले रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जगाएं। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और विपक्ष बार बार इस बात को उठा रहा है कि आप सड़कों की हालत को ठीक करें।